और सीधे चलेंगे जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी ने माल्यार्पण अर्पित किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सर्वप्रथम अंत्योदय के प्रणेता जिनकी दृष्टि और जिनके विजन के कारण गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यह विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक एजेंडे के हिस्से बने ऐसे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित जी ने आज से 60-70 वर्ष पहले जो जीवन दृष्टि अपने विचारों के माध्यम से भारतीय राजनीति को दी, उनका वह चिंतन, उनका वह मनन आज भी न केवल भारतीय लोकतंत्र के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के द्वारा प्रारंभ करके गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर उनका वह चिंतन देखने को मिलता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि उनके चिंतन में गांव, गरीब, किसान, दबे कुचले समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ ही महिलाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि है। उसमें दृष्टि भी है तो उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उस तबके के लिए एक सहानुभूति भी है। हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, आर्थिक प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के माध्यम से की जानी चाहिए, यह जो एक दृष्टि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 70 वर्ष पहले भारतीय राजनीति को दी थी वह आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग, कोरोना महामारी रही हो या उसके उपरांत, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 12 करोड़ 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर आता है। इसी का परिणाम है 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल जाते हैं। इसी का परिणाम है 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होता है। यह जो दृष्टि है इस समाज को समग्र रूप से विकास के पथ पर अग्रसर करने, सामाजिक विकास के माध्यम से सांस्कृतिक उत्थान और राष्ट्र के समग्र विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाने का है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस विजन को जमीनी धरातल पर पिछले 10 वर्ष के अंदर उतार करके एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक और जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी आज जो दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रहा है, पंडित जी की इस पावन जयंती को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता महाअभियान की तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और मैं धन्यवाद दूंगा महानगर लखनऊ की टीम को जिन्होंने लखनऊ के हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। आप सब इस बात को जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि चुनाव जिले में नहीं, संसदीय क्षेत्र के स्तर पर या विधानसभा के स्तर पर नहीं लड़ा जाता है, वास्तव में चुनाव का कुरुक्षेत्र होता है
और बूथ होता है बूथ, बूथ जीता तो चुनाव जीता है। बूथ अगर आपका मजबूत है तो चुनाव आपके पक्ष में है। और आज उस बुनियादी बात को ध्यान में रखकर के भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई है। यह सदस्यता महाअभियान का क्रम निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, न केवल लखनऊ में बल्कि प्रदेश के सभी शासकीय 75 जनपदों में और संगठन के 98 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने की होनी चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक उस व्यक्ति को जो भी भारतीय जनता पार्टी के मूल चिंतन मूल्यों और आदर्शों के साथ जुड़ा हुआ है, डबल इंजन सरकार की योजनाओं के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, ये सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज के सदस्यता महाअभियान के अवसर पर लखनऊ की पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने आज यहां सदस्यता प्राप्त की है उन सबको भी मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अगर हम में से हर व्यक्ति तय करे कि हमें अपने टारगेट के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करना ही है तो वह निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लिए, देश के लिए, प्रत्येक बूथ के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने में कोई। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।